चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चलिए मैं बना लेती हूँ भकोसे। चने की दाल है। आप चाहें जल्दी हो तो आप 2-3 घंटे के लिए फुला सकती हैं। अगर सोचें कि हमें बहुत मतलब अच्छी से फुलाना है तो कम से कम 5 घंटे ले सकते हैं दाल फुलाने के लिए। जैसे कि मैंने 5 घंटे फुलाए हैं, तो आज मैं क्या करूँगी, आज चने की दाल को पीस करके आज भकोसा बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 प्याज कट कर लिए हैं, 4-4 टुकड़ों में काट लिया है। 4-5 ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो मैंने 5 हरी मिर्च ली है। वैसे तीखी नहीं है, आपको तीखी नहीं करना है तो 2-3 डाल सकते हो। ये हरा धनिया है, जितनी पत्ती ज़रूरी होती है उतनी डंठल भी ज़रूरी है, इसलिए हम दोनों को डालेंगे। चलिए फिर अब इसको हम पीस लेते हैं। दाल डालेंगे और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लेंगे। अजवाइन भी डाल देंगे, अब इसको हम पीस लेंगे। तो दोस्तों ये दाल में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया सारी चीज़ों को पीस लिया है। उसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ, नमक अपने काट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इस दाल को मिक्स कर लेती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने पहले से आटा का डो लगा करके रखा है। अब इसे बनाते हैं भकोसे। तो अब इसकी लोई बनाएंगे, छोटी छोटी रोटी बनाएंगे। तो हम रोटी बना लेते हैं। रोटी को हम ज़्यादा नहीं बड़ी बनाएंगे, बस इतनी बड़ी रखेंगे। इतनी बड़ी रख करके इसमें हम स्टफिंग भर देंगे इस तरह से। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से, इसको दबा देंगे ताकि हमारी दाल बाहर ना निकले। ऐसे मुझे सभी बना के रख लेनी है। तैयार कर लिए मैंने। अब इसको जला करके कढ़ाई रख के पानी डाल लेंगे, खौला लेंगे। अब इसमें हम जो है खौलते पानी में छोड़ देंगे। हम इनको 25 मिनट तक पकने के लिए कवर करके रख देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, हम कवर हटा के देख लेंगे। ये देख सकते हो गाइस, अब कितने अच्छे से पके हुए हैं। अब इनको हम एक बर्तन में निकालेंगे। चलिए इनके हम 2 भकोसों के पीस बना लेते हैं। इस तरह के हमें क्यूब बना लेना है। देख सकते हैं अब पक गए हैं। फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे 1 चम्मच। गर्म होने देंगे इसको ठीक से। हींग डाल लेते हैं, अजवाइन डालेंगे, सर्व कर लेंगे। तैयार है। अगर हमारी वीडियो की रेसिपी अच्छी लगे
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे करें।